अमर को रात के 8 बजे मेघदूत होटल में पहुंच जाना था। उसकी कंपनी के एक क्लाइंट ने उसे मिलने के लिए यही समय दिया था, पर किसी दूसरे काम में फंस जाने के चलते वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। अमर जब होटल में पहुंचा, तो रात के 9:30 बज गए थे। क्लाइंट कमरा नंबर 12 में ठहरा हुआ था। अमर ने डोरबेल बजाई, तो खुद क्लाइंट ने दरवाजा खोला। अमर का परिचय पाकर उसे 2-4 सुनाते हुए क्लाइंट ने कहा, आपको समय पर आना चाहिए था। अभी मैं एक लड़की के साथ बिजी हूँ। सॉरी सर, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। बताइए कितने बजे आऊं? कल मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ। कुछ सोचकर क्लाइंट ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि भीतर आ जाइए। फाइल तैयार है। सिर्फ मेरा दस्तखत करना बाकी रह गया है। अमर कमरे में आ गया। जैसे ही अमर की बेड पर नजर पड़ी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेड पर कोई और नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका रह चुकी संगीता थी। वह अपने बदन पर चादर लपेटे हुए थी। अमर का मन कमरे से भाग जाने को हुआ, मगर उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद फाइल लेकर अमर क्लाइंट के साथ दरवाजे पर आया। न चाहते हुए भी उसने पूछ लिया, सर, यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, काल गल है। आज शाम को ही एक दलाल से इसे बुक किया था, आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अमर को जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था, उसी में संगीता अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से अमर का दफ्तर बहुत दूर था, इसलिए आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में अमर ने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के अहाते में आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 20 से 22 साला एक खूबसूरत लड़की आकर उसे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम संगीता है। धीरे धीरे अमर को लगने लगा कि वह संगीता को प्यार करने लगा है, उसके बिना नहीं रह पाएगा। एक दिन अमर संगीता को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही वह शाम को दफ्तर से आया, संगीता को बालकनी में देखा। अमर ने संकेत से उसे बताया कि वह उसके पास आ रहा है। संगीता ने उसे मना नहीं किया। फिर वह खुश होकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया। संगीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, फिर उसे अंदर ले गई। अमर को बैठाकर संगीता चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी, तो उसने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। अमर ने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। क्या आपको पता है कि मैं विधवा हूँ? मेरा 1.5 साल का एक बेटा है। अमर को संगीता की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 22 साल की होगी। इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। संगीता कुछ कहती, उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। संगीता उठकर उस कमरे में चली गई। जब वह आई, तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है। इसका नाम रोहित है। यह सुनकर अमर दुखी हो गया, डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा और उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूंगी तो उनका क्या होगा, इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा। पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती
तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर लगा दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। संगीता की आप बीती सुनकर अमर चिंता में पड़ गया। वह आनन फानन कोई फैसला नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर वह वहां से चला गया। अमर संगीता से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला किया, पर वह गांव न जा सका। 2 दिन बाद ही उसका ट्रांसफर दिल्ली से कोलकाता हो गया। कोलकाता में उसे तुरंत दफ्तर ज्वाइन करना था, इसलिए वह संगीता को ट्रांसफर की सूचना दिए बिना दिल्ली से चला गया। अमर ने सोचा था कि कोलकाता में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव जाएगा, उसके बाद खुशखबरी लेकर संगीता से मिलेगा, लेकिन उसका सोचा नहीं हुआ। नए दफ्तर में इतना ज्यादा काम था कि उसे अगले 4 महीने तक छुट्टी नहीं मिली। संगीता का कोई फोन नंबर उसके पास नहीं था, इसलिए वह उससे बात भी न कर सका। 4 महीने बाद जब अमर को छुट्टी मिली तो उसने पहले संगीता से मिलने का विचार किया। संगीता से मिलकर वह उसे बता देना चाहता था कि वह उससे हर हाल में शादी करेगा और उसके बेटे को अपना नाम देगा। अमर संगीता के फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई दूसरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जाने के 1 महीने बाद ही संगीता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद संगीता फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था यह किसी को पता नहीं था। गांव न जाकर अमर उसी दिन से संगीता की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक उसने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की, उसके बाद वह कोलकाता चला गया। अमर कोलकाता आ गया था, मगर उसने संगीता की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरह 2 साल बीत गए थे। आज अमर क्लाइंट से मिलने मेघदूत होटल गया तो वहां संगीता को कालगल के रूप में देखकर उसे गहरा धक्का लगा था। बहुत सोचने के बाद अमर ने संगीता से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से अमर को संगीता के घर का पता चल गया। एक दिन शाम के 5 बजे अमर संगीता के फ्लैट पर गया। कालबेल बजाने पर नौकरानी ने दरवाजा खोला। अमर ने जब उसे अपना परिचय दिया तो वह उसे दरवाजे पर खड़ा कर संगीता से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई और अमर को अपने साथ भीतर ले गई। संगीता एक कमरे में बैठी थी, उसके पास ही उसका बेटा रोहित था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। संगीता ने उसे बैठने के लिए कहा तो वह सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। अमर के कुछ कहने से पहले संगीता ने ही कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अमर ने अपनी ट्रांसफर वाली बात बता दी। उसने उसे यह भी बताया कि वह उसकी तलाश में कैसे और कहाँ कहाँ भटकता रहा था। संगीता चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी वह तो उसे अटूट प्यार करता था, उसके लिए उसने किसी से शादी भी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद संगीता ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए तो लगा कि आप जरूर अपने घर वालों को मना कर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद आप एकदम लापता हो गए तो मुझे शक हुआ। मेरा ननिहाल कानपुर में था,
वहाँ 2 से 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया। मेरा एक ममेरा भाई था, वह मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नजर थी, मैं उससे बच कर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, वह भी गया था। मगर ना जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा न सकी। उसने मेरा रेप करके ही छोड़ा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा, सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपए दिए धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इस उम्मीद से दिल्ली गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ नौकरी नहीं मिली। कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे कोलकाता भेज दिया कि वहाँ नौकरी जरूर मिल जाएगी। कोलकाता आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह सेक्स रैकेट चलाता था। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए सेक्स रैकेट से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना काम खुद करती हूँ। संगीता चुप हो गई तो अमर ने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर संगीता हैरान रह गई। संगीता को हैरत में पड़ा देख अमर ने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूँगा। डॉट तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूंगा। संगीता ने सोचने समझने के लिए अमर से 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब अमर संगीता के घर गया तो वहाँ का अजीब सा मंजर देख कर परेशान हो गया। फ्लैट पर पुलिस थी, संगीता की नौकरानी भी वहाँ थी। पूछताछ करने पर अमर को पता चला कि संगीता ने रात के किसी पहर में खुदकुशी कर ली थी। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब संगीता ने दरवाजा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर गई। संगीता सीलिंग फैन से झूल रही थी। संगीता ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर रही है। संगीता ने एक खत अमर के नाम भी लिखा था। उस खत में लिखा था, पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे रोहित को आप अपना नाम देंगे। अमर ने पुलिस को बताया कि संगीता उसकी बिनब्याही पत्नी थी और रोहित उन दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने रोहित को अमर के हवाले कर दिया।